आज के समारोह के अध्यक्ष श्री देश पांडे जी, जनरल बेबूर, श्री सुधीर फड़के, श्री दाते, श्री दामले जी, पुरंदरे जी, श्री जोशी देवी और सज्जनों, मुझे बार बार अतिथि कहा जा रहा है। मुझे बार बार अतिथि कहा जा रहा है, मुझे इस शब्द प्रयोग पर आपत्ति है। तिथि अतिथि वो होता है जिसके आने की तिथि तय नहीं होती। जो अचानक आ टपक पड़ता है बिना बुलाए आ जाता है, उसको भी हमने देवता मानकर स्वागत करने की परंपरा डाली है। लेकिन मुझे अतिथि कहा जाए इसे मैं पसंद नहीं करता। एक तो आज के कार्यक्रम का रूप ऐसा है कि उसमें कोई मेहमान बनकर आना नहीं चाहेगा, सभी मेजबान बनना चाहेंगे। दूसरी बात यह कि सावरकर जी की स्मृति में आयोजित समारोह किसी अतिथि का मोहताज नहीं है। जो भी आएगा सावरकर जी की स्मृति में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आएगा। फिर मैं पुणे इतने बार आ चुका हूं कि अगर मेहमान का दर्जा कभी था तो वो खत्म हो चुका है। अभी थोड़े दिन पहले महाराष्ट्र की दुष्काल परिस्थिति का अध्ययन करने के लिए मुझे इधर आने का अवसर मिला था और पुणे के आसपास जो राहत के कार्य चल रहे हैं, लोगों को रोजगार देने के काम चल रहे हैं, उन्हें मुझे देखने का अवसर मिला था। उस समय जोशी जी ने मुझसे कहा था कि मैं कार्यक्रम में आऊं, लेकिन मैं तैयार नहीं हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद से मुक्त होने के बाद मैं किसी कार्यक्रम में बंधना नहीं चाहता था। दिल्ली के अधिवेशन की समाप्ति के तुरंत बाद निकलना संभव होगा या नहीं, यह भी मेरे सामने एक प्रश्न था। लेकिन जब जनरल बेबूर का पत्र मुझे पहुंचा तो मैंने सोचा अब जनरल का आदेश आ गया है, अब मैं सिपाही के नाते उसको टालने की गलती नहीं कर सकता। मुझे बड़ी प्रसन्नता है, मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूं, मैं आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हो सका हूं। एक तो सावरकर जी के प्रति मैं अपनी श्रद्धा निवेदन करने के लिए आया हूं, दूसरे
श्री पुल देश पांडे का भाषण सुनने का भी मुझे थोड़ा सा लोभ था। दिल्ली में उनके दर्शन हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने दिल्ली छोड़ दी और दिल्ली का सांस्कृतिक साहित्यिक जीवन थोड़ा सा रिक्त हो गया, थोड़ा सा अकिंचन हो गया। देशपांडे जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, मराठी भाषा को, मराठी साहित्य को श्री पुल देशपांडे जैसे कलम के धनी पाकर सचमुच में अभिमान होना चाहिए। सावरकर जी एक व्यक्ति नहीं है, एक विचार है, एक चिंगारी नहीं है, एक अंगार है, सीमित नहीं है, एक विस्तार है। मन, वचन और कर्म में जैसा तादात्म्य, जैसी एक रूपता सावरकर जी ने अपने जीवन में प्रकट की वह अनूठी है, अलौकिक है। उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व, उनका वक्तृत्व और उनका कवित्व, जिसकी देशपांडे जी ने बड़े विस्तार के साथ चर्चा की है, सावरकर जी के जीवन को ऐसा आयाम प्रदान करते हैं कि विश्व के इतिहास में सावरकर जी हमेशा याद किए जाएंगे। जब जब कोई पराधीनता के खिलाफ संघर्ष करेगा, अन्याय के विरुद्ध लड़ाई के मैदान में कूदेगा, जब जब जीवन के बलिदान की बेल आएगी, जब जब सर्वस्व का समर्पण करके मातृभूमि को खोई, मातृभूमि की खोई हुई स्वाधीनता को प्राप्त करने का क्षण उपस्थित होगा, संसार भर के स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले लोग जिन अनेक महापुरुषों का स्मरण करेंगे और स्मरण करने के बाद बलि की वेदी पर अपने जीवन का उत्सर्ग करने के लिए आगे बढ़ेंगे, स्वातंत्र वीर सावरकर विश्व के उन महापुरुषों की मालिका में एक चमकते हुए दैदीप्यमान रत्न की तरह से शोभायमान होगी। सावरकर जी ने गैरिबाल्डी से, मेदिनी से प्रेरणा प्राप्त की, लेकिन वो स्वयं एक प्रेरक शक्ति बन गए। बाल्यावस्था से स्वातंत्र लक्ष्मी की उपासना, ग्यारह वर्ष की उम्र में सवाई माधो सिंह के बारे में फाटका लिखना, फिर चाफेकर राणे, राणने के संबंध में फाटका लिखना और उसी समय संकल्प करना, मैं देश की स्वाधीनता के लिए संघर्ष करूंगा। सावरकर जी पूर्व जन्म को नहीं मानते थे, देशपांडे जी भी नहीं मानते, मगर 11 वर्ष की उम्र में स्वतंत्रता का संकल्प पैदा होना, अगर इसमें कोई पूर्व जन्म का संस्कार हो तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, मुझे कोई चमत्कार नहीं होगा। आप कह सकते हैं कि मैं बुद्धिवादी नहीं हूं,
लेकिन जब अलौकिक प्रतिभा के दर्शन होते हैं व्यक्ति समान है लेकिन व्यक्ति की क्षमताएं अलग हैं। हमारे देश में स्वतंत्रता के लिए बलिदान देने वालों की एक लंबी परंपरा उत्पन्न हुई। क्रांतिकारियों से भरा हुआ इस देश का इतिहास है। महाराष्ट्र से, बंगाल से, पंजाब से ब्रिटिश साम्राज्यवाद की समाप्ति के लिए सशस्त्र संघर्ष करना होगा। बिना हथियार उठाए आजादी नहीं मिलेगी। कवि गोविंद के शब्दों में बिना युद्ध के स्वतंत्रता किसको मिली है, इस पर जिनका विश्वास था उन्होंने बलिदान की पराकाष्ठा कर दी। सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिलमिलाहट, सागरा प्राण तड़मड़ला, तलमड़ाती हुई आत्मा, सावरकर माने तितीक्षा, सावरकर माने तीखापन, सावरकर मणजे तिखट, कैसा बहुरंगी व्यक्तित्व। कविता और क्रांति, देशपांडे जी मुझे क्षमा करें, मेरा भी परिचय कराया गया है शाहिर के रूप में। कविता और भ्रांति तो साथ साथ चल सकती है मगर कविता और क्रांति का साथ चलना बहुत मुश्किल है। कविता माने कल्पना, शब्दों के संसार का सृजन, ऊंची उड़ान, और कभी कभी ऊंची उड़ान में अगर धरातल से पांव उठ जाए, वास्तविकता से नाता टूट जाए तो कवि को शिकायत नहीं होगी। उसके आलोचक भी इस बात के लिए उसकी टीका नहीं करेंगे। मगर सावरकर जी का कवि ऊंची से ऊंची उड़ान भरता था। सावरकर में ऊंचाई भी थी और गहराई भी थी मगर उन्होंने यथार्थ की धरती से कभी नाता नहीं तोड़ा। मैंने सेल्युलर जेल में, अंडमान द्वीप में वो कोठरी देखी है जिसमें सावरकर जी को अपने जीवन का बहुत महत्वपूर्ण अंश तिल तिल जलकर मिटाना पड़ा था। सावरकर जी की अतिरिक्त सुरक्षा का प्रबंध था। कमरे के बाहर कोठरी, काल कोठरी के बाहर एक कोठरी, और कैदियों से तो दालान में जाकर मिला जा सकता था।
सावरकर जी की कोठरी के आगे भी एक कोठरी बनाकर सीकचे खड़े कर दिए गए। सागर का किनारा, पता नहीं सागर सागर और सावरकर का क्या संबंध था। गोदावरी ने भी सागर को, सावरकर जी को प्रभावित किया था। वो जिस तरह से जहाज से सागर में कूद पड़े, स्वतंत्रता के लिए छलांग लगा दी, उत्ताल सागर की तरंगे, अनंत सागर, अपार जलराशि, कहां किनारा है, कौन सा ठिकाना मिलेगा, इसका भरोसा नहीं। मगर अंतकरण में एक संकल्प, मैं पराधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। ऐसा संकल्प, ऐसा पराक्रम, ऐसा पौरुष, सागर से दो दो हाथ करने का फैसला, और फिर उन्हें सागर के किनारे काले पानी की सजा। मैंने वो कोलू भी देखा है जिसमें कैदियों को जोत कर तेल निकालना पड़ता था। सावरकर जी ने अपनी जीवनी में इन सारे प्रसंगों का उल्लेख किया है, मगर उस सागर के किनारे जेल में बंद सावरकर चांद से बातें करते थे, चांद को लहना देते थे, उपालंब देते थे, संदेश देते थे। उस समय की उनकी अनेक कविताएं ऐसी हैं जो विश्व के इतिहास में, विश्व के साहित्य में अपना स्थान रखती है। उन कविताओं में उद्वेग भी है, आवेग भी है, संवेग भी है। वो शब्दों के शिल्पी थे, मगर भावनाएं उदात, लक्ष्य को उन्होंने कभी आंखों से तिरोहित नहीं होने दिया। सावरकर जी से मेरा परिचय एक पहले कवि के नाते होगा। उनके क्रांतिकारी स्वरूप से तो सभी लोग अवगत थे, मुझे कविता में थोड़ी सी रुचि, संघ के साथ मेरा संपर्क, सावरकर जी की कविताओं का गायन, मेरे लिए मराठी समझना मुश्किल था, लेकिन मैंने थोड़ा थोड़ा सीखने का प्रयत्न किया। मैं ग्वालियर का हूं और ग्वालियर की अपनी मराठी है। वर्चा मजला खाली आहे, ये पुणे वालों की समझ में नहीं आएगा, जो मजला नीचे कैसे हो सकता है, मगर ये ग्वालियर ने मराठी में जो योगदान दिया है ये उसका सबूत है। मैंने सावरकर जी की कोई कुछ कविताओं का हिंदी में अनुवाद करने का प्रयत्न किया, मैं चमत्कृत रह गया। कोई क्रांतिकारी होते हुए इतना अच्छा कवि कैसे हो सकता है, कोई कल्पना के आकाश में उड़ते हुए क्रांति की आग को कैसे धधका सकता है, सुलगा सकता है। मगर कल्पना की सृष्टि और यथार्थ की सृष्टि दोनों का सावरकर ने समन्वय कर दिया। यह समन्वय बहुत कठिन है,
मगर जैसा मैंने प्रारंभ में उल्लेख किया, सावरकर के जीवन की समग्रता ऐसे अनूठे गुणों से भरी हुई है। प्रखर राष्ट्रवाद, समझौता न करने वाला राष्ट्रवाद, जीवन का क्षण क्षण और शरीर का कण कण मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए समर्पण कर देने वाला राष्ट्र प्रेम, मगर उसके साथ मूलगामी समाज सुधारक की भूमिका बैठक। कवि के बाद अगर सावरकर का कोई स्वरूप मुझे सबसे ज्यादा आकृष्ट करता है तो वो समाज सुधारक का रूप है। रत्नागिरी की नजरबंदी में उस समय लिखी गई कविताएं देखिए, बाल विधवा की पीड़ा। एक तो विधवा और उस पर बाल विधवा, पुनर्विवाह पर प्रतिबंध, ऐसी अभागी नारी कहां जाए। सावरकर बड़े बड़े प्रश्नों में उलझे थे। उस समय स्वतंत्रता से बढ़कर और कौन सा प्रश्न हो सकता था। मगर सावरकर दृष्टा भी थे, समाज के शिल्पकार भी थे, विकृतियों से लड़ने वाले योद्धा भी थे, कुरीतियों का निर्मूलन करने के लिए कटिबद्ध समाज सुधारक भी थे। आज अगर सावरकर जीवित होते तो सावरकर की धीर गंभीर वाणी में शाहबानों की व्यथा प्रकट होती, मुखरित होती। 70 साल की नारी, पति द्वारा परित्यक्ता, बच्चों की मां, कहां जाए, किसका दरवाजा खटखटाए। और अगर सावरकर जी शाहबानों के लिए बोलते तो कोई उन पर आक्षेप नहीं ले सकता था, क्योंकि उनके लिए नारी नारी में अंतर नहीं था, उनके लिए संप्रदाय संप्रदाय में भेद नहीं था। उनके अंतःकरण की पीड़ा, वेदना का पारावार, कुरीतियों से लड़ने की उनकी मनोस्थिति, ये किसी एक वर्ग या एक संप्रदाय तक सीमित नहीं थी। ये सभागे देश में आज भी अस्पृश्यों के लिए मंदिरों के दरवाजे बंद हैं, कुछ मंदिरों के दरवाजे बंद हैं। गांधी जी ने तो हरिजनोद्धार की बात बाद में कही, सावरकर जी ने पहले कही। मेरे लिए दरवाजे खोल दो, एक उनकी प्रसिद्ध कविता है मराठी की। मला देवांचा दर्शन घेऊ या, मुझे देव का दर्शन लेने, मेरे लिए मंदिर के कपाट बंद मत करो, भगवान और भक्त के बीच में कोई खड़ा न रहे। कितनी वेदना है, कितनी व्यथा है, मुझे भगवान के दर्शन लेने दो। कुरीतियों में पड़कर हम भगवान और भक्त के बीच में भी खड़े हो गए। सावरकर के सामने एक ऐसे समाज का स्वरूप था जो अतीत की रूढ़ियों से बद्ध नहीं होगा। पतित पावन के दरबार में कौन किसको रोकेगा। उस समय भी लोग रोके जाते थे, आज भी रोके जा रहे हैं, कहीं कहीं रोके जा रहे हैं। अभी राष्ट्रपति एक मंदिर में जाना चाहते थे,
उन्होंने पूछा क्या मंदिर सबके लिए खुला है? पुजारियों ने कहा नहीं, मंदिर सबके लिए खुला नहीं है। मुझे खुशी है राष्ट्रपति ने उस मंदिर में प्रवेश नहीं किया। इस मंदिर के द्वार सबके लिए खुले नहीं है। उस द्वार के बाहर कल्पना करिए, कोई खड़ा होकर कह रहा है। हम दूसरों को दोष देते हैं, उन्होंने हमारे समाज के कुछ लोगों को बरगलाने की चेष्टा की है, मगर सावरकर की दृष्टि से हम देखें हिंदू समाज के अभिशाप को, हिंदू समाज की दुर्बलता को, हम अगर पराधीन हुए, हम आज अगर अपने घर में सम्मान के साथ जीवित नहीं है, तो इसके लिए परकी इतने दोषी नहीं है। दोष हमारा अपना है, हमने समाज को बांट दिया। कभी वर्ण व्यवस्था का उपयोग रहा होगा तो रहा होगा, लेकिन उसके कारण जब दीवारें खड़ी होने लगी, व्यक्ति व्यक्ति को छोटा समझा जाने लगा, कोई बड़ा बन गया, कोई छोटा बन गया, समाज की एकता खंडित हो गई, विदेशियों ने उसका लाभ उठाया। हम कभी विदेशियों से नहीं हारे, हमने तो अपनी तलवार से अपने देश को जीतकर दूसरों के सुपुर्द कर दिया। इतिहास साक्षी है, प्लासी की लड़ाई में जितने लोग मैदान में लड़ रहे थे उससे ज्यादा लोग मैदान के बाहर खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, लड़ाई का परिणाम सुनने की प्रतीक्षा कर रहे थे। देश के भाग्य का निर्णय होने जा रहा था, मगर उस निर्णय में सारा देश शामिल नहीं था। विदेश मंत्री के नाते मैं अफगानिस्तान गया था, आपको सुनकर ताज्जुब होगा। अफगानिस्तान के अपने मेजबानों से मैंने कहा मैं गजनी जाना चाहता हूं, गजनी। पहले वो मेरी बात उनकी समझ में नहीं आई, कहने लगे गजनी तो कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, गजनी में कोई फाइव स्टार होटल नहीं है, गजनी में आप जाकर क्या करेंगे, गजनी में आप जाकर क्या देखेंगे। मैं उन्हें पूरी बात नहीं बता सकता, मेरे हृदय में कहीं गजनी कांटे की तरह से चुभ रहा है। जब से मैंने गजनी से आए एक लुटेरे की कथा पढ़ी है और किशोरावस्था में पढ़ी है, मैं देखना चाहता था वो गदनी कैसा है। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, महमूद गजनी का अफगानिस्तान के इतिहास में कोई स्थान नहीं है। गजनी छोटी सी जगह है, छोटा सा गांव है। कल्पना करिए, सैकड़ों साल पहले वहां धूल उड़ती थी, झोपड़ियां थी, मगर एक लुटेरा लुटेरों को इकट्ठा करता हुआ सोने की चिड़िया को लूटने के लिए चला आया। आपस की फूट से जो राजा है वो लड़ेगा, जो क्षत्रिय है वो लड़ेगा। हमने समाज के बहुत बड़े वर्ग को लड़ने के अधिकार से वंचित कर दिया, हमने उन्हें हथियार नहीं उठाने दिए। मार्शल नॉन मार्शल के आधार पर हमने समाज को बांट दिया। वो लुटेरा सोमनाथ के मंदिर तक चला गया, पुजारी देखते रहे। मंदिर की पूजा भक्तों को करना पड़ती है, मंदिर तो एक प्रेरणा का केंद्र है। मैं देशपांडे जी की तरह से नास्तिक नहीं हूं, मगर उनकी नास्तिकता में भी जो आस्तिकता है मैं उसका आदर करता हूं, उसका सम्मान करता हूं।
वो जिस आत्मविश्वास से नास्तिक होने की बात कहते हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं वो सचमुच में नास्तिक नहीं है। जिसकी आस्तिकता है, जिसका विश्वास है, वो नास्तिक कैसे हो सकता है? विश्वास किस में है ये बड़ी बात नहीं है, विश्वास है या नहीं। हमने समाज के बहुत से बड़े वर्ग को विश्वासहीन बना दिया। लोगों ने हथियार नहीं उठाए, वेद पढ़ने के दरवाजे बंद कर दिए। इसलिए हमारे, इसलिए हम पादाक्रांत हुए। अफगानिस्तान में मैंने एक बात और देखी। मुझे जिस होटल में ठहराया गया उसका नाम था कनिष्क। अफगानिस्तान एक मुस्लिम देश है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, मैंने कहा कनिष्क यहां कहां से आए? तो मेरे साथ अफगानिस्तान के विदेश मंत्री थे, मैंने कहा कनिष्क आपका कौन लगता है, कनिष्क से आपका क्या संबंध है? कहने लगे कनिष्क हमारा पूर्वज है, कनिष्क हमारा पुरखा है। ही वॉज वन ऑफ अवर फोर फादर्स। मैंने कहा तब तो हमारे आपके पुरखे एक हैं। अफगानिस्तान के लोगों ने उपासना पद्धति बदली है, संस्कृति नहीं बदली। आज के भारत के परिवेश में यह सुनने के बाद थोड़ा विचित्र लगता है। हमारे यहां तो धर्मांतरण के साथ राष्ट्रांतरण होता है, ऐसा दृश्य दिखाई देता है। पड़ोसी देशों में ऐसा नहीं हुआ। अभी राम जन्मभूमि का मामला चल रहा है, एक विदेशी आए, कहने लगे राम जन्मभूमि का क्या झगड़ा है? हमने कहा इस पर विवाद हो रहा है कि राम, श्री राम कहां पैदा हुए थे, और जहां पैदा हुए थे वो स्थान उनके मंदिर के लिए प्रयुक्त किया जाए या न किया जाए। वो इंडोनेशिया से आए थे, वो मुसलमान है। कहने लगे हम तो समझते थे कि राम के लिए सारे भारत में आदर होगा, सम्मान होगा। हमने कहा ये आपने कैसे समझा? कहने लगे आप तो इंडोनेशिया आ चुके हैं, इंडोनेशिया में बहुत से लोगों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया, मगर श्री राम को विस्मृत नहीं किया, श्री राम को भुलाया नहीं। इंडोनेशिया के बाली द्वीप में एक महीने रामायण की लीला होती है। मैं उस समारोह में जा चुका हूं, उस समय भी विदेश मंत्री मेरे पास बैठे थे। मैंने कहा ये रामायण ये क्या हो रहा है? मैंने कहा एक्सीलेंसी ये मंच पर क्या हो रहा है? कहने लगे एक्सीलेंसी आपको पता होना चाहिए। हमने कहा मुझे तो पता है मगर मैं जानना चाहता हूं। कहने लगे ये रामायण है, ये राम है, ये लक्ष्मण है, ये सीता है। हमने कहा इनसे आपका क्या संबंध है, आप तो मुसलमान हैं। कहने लगे हमारा संबंध बहुत पुराना है, हमारा तब का संबंध है जब हम मुसलमान नहीं हुए थे। थाईलैंड की राजधानी अयोध्या कही जाती है, थाईलैंड के राजा को आज भी राम कहा जाता है। सावरकर जी ने हिंदू राष्ट्र की बात कही हिम्मत के साथ। बुनियादी तौर पर भारत हिंदू राष्ट्र है, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता, इसे कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। मेरे लिए हिंदू राष्ट्र और भारतीय राष्ट्र पर्यायवाची शब्द। लेकिन सावरकर जी ने हिंदू राष्ट्र की बात कही तो हिंदी राज्य की बात भी कही। उन्होंने कहा राष्ट्र हिंदू है मगर भारत में हिंदी राज्य होगा, ऐसा राज्य होगा जो मजहब के आधार पर, उपासना पद्धति के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। समय की कमी से मैं सावरकर जी का वो उद्धरण पढ़कर सुनाना नहीं चाहता। सावरकर जी ने कहा कि स्वतंत्र भारत में ना हिंदू राज्य होगा ना हिंदू राज्य होगा, ऐसा राज्य होगा जो सबकी चिंता करेगा, सबके साथ न्याय करेगा। मगर उन्होंने कहा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र होगा। राष्ट्र और राज्य में अंतर है, यह अंतर हमें स्पष्ट करना चाहिए। सावरकर जी के विचारों को लेकर बहुत भ्रम पैदा करने की कोशिश की गई। मुझे खुशी है
इस समारोह का उद्घाटन करने के लिए सूचना मंत्री श्री गाडगिल आए थे। मुझे वो दिन भी याद है जब रेडियो से सावरकर की कविता नहीं सुनाई जा सकती थी। वक्त बदल गया है, जादू सर पर चढ़कर बोल रहा है, महापुरुषों की कोई ज्यादा दिन तक उपेक्षा नहीं कर सकता। राजकारण की वजह से सावरकर की उपेक्षा हुई, सावरकर का हमने सही मूल्यांकन नहीं किया। मैंने तो बहुत कम उम्र में सावरकर जी को देखा था, सुना था। बिंदु माधव जोशी ने मेरी कविता का उल्लेख किया, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। ये मैं 10वें दर्जे में पढ़ता था, उस समय की लिखी हुई कविता है। लोग कहते हैं वो कविता लिखने वाला वाजपेयी अलग था, जो राजकारण करने वाला वाजपेयी वो अलग है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मैं हिंदू हूं, ये मैं कैसे भूल सकता हूं? किसी को भूलना भी नहीं चाहिए, मगर मेरा हिंदुत्व सीमित नहीं है, संकुचित नहीं है। मेरा हिंदुत्व हरिजन के लिए मंदिर के दरवाजे बंद नहीं कर सकता। मेरा हिंदुत्व अंतर प्रांतीय, अंतर जाति, अंतर्राष्ट्रीय विवाहों का विरोध नहीं करता। हिंदुत्व सचमुच में विशाल है। मेरा हिंदुत्व क्या, हम तो एक कण की तरह से हैं, सावरकर जी एक पर्वत की तरह से। हम लोग तो एक बिंदु हैं, सावरकर सिंधु की तरह से। मगर कण में भी बिंदु में भी वही गुण है, वही क्षमता है। सावरकर जी को हम समझने का प्रयत्न करें। सावरकर जी की विचारधारा का विश्लेषण करें। सावरकर जी के चिंतन के बारे में हम अनुसंधान करें और सावरकर के संदेश को घर घर तक, व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करें। मुझे खुशी है ये समारोह इसी निमित्त हो रहा है। ये सावरकर घर घर तक पहुंचाए जाएं, मैं इस समारोह की सफलता चाहता हूं। मैंने पुणे में आकर अपना कर्तव्य किया है। अगर संचालक समिति इस कार्यक्रम के सूत्रधार मुझे इस कार्यक्रम के निमित्त कहीं और भी ले जाना चाहेंगे तो मैं अपनी सेवाएं उनको समर्पित करता हूं। वैसे भी मैं खाली हो गया हूं, काम की तलाश में हूं। ग्वालियर वालों ने पार्लियामेंट से मेरी छुट्टी कर दी है, पार्टी वालों ने अध्यक्ष पद से मुझे मुक्ति दे दी है। अब मेरे पास समय है और मैं अगर ये समय, थोड़ा समय, सावरकर जी के प्रति जो अन्याय हुआ है और जिसमें हम सब लोग शामिल थे, उस अन्याय का थोड़ा सा परिमार्जन करने में लगा सकें तो आज का ये समारोह सफल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।